हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत मजेदार, क्योंकि थंबनेल देख के तो आप सब समझ गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पे। तो अब कुछ टाइम बाद होने वाली आने वाली है नवरात्रियां, और नवरात्रियों में हर किसी के दिमाग में रहता है कि वो अपने मंदिर को कैसे सुंदर बनाए और कैसे करे डेकोरेट। तो उसके लिए कुछ नए आइडिया लेके मैं आपके सामने आई हूँ। तो हर इंसान सोचता है कि उसका मंदिर हर नवरात्रियों में कुछ अलग सा लगे, सुंदर लगे और पिछले नवरात्रियों से थोड़ा हटके लगे। तो हर साल वही रूम वही मंदिर, तो हम क्या ऐसे चेंजेस करें अपने मंदिर में जिससे हमारा मंदिर कुछ नया सा लगे और हमारी डेकोरेशन लगे सबसे हटके। तो उसके लिए हम कुछ छोटी छोटी टिप्स अपना सकते हैं जिससे हमारा मंदिर कुछ नया सा लगेगा या फिर हम जो सजावट कर रहे हैं वो और अच्छी लगेगी। तो सबसे फर्स्ट टिप तो ये है कि आप जो जहाँ पे भी अपना मंदिर है उसकी थोड़ी लाइटिंग की जो है वो लाइट उसकी सही करें, क्योंकि वहां पे जितनी लाइट रहेगी तो उससे भी आपके मंदिर के डेकोरेशन में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हम कभी बहुत डिम लाइट रखते हैं अपने मंदिर के आसपास या उजाले कमरे नहीं होने की जिससे हमारा थोड़ा अंधेरा लगता है, तो हम जो भी सजावट करते हैं वो निखर के नहीं आ पाती है। और जो दूसरा है वो अच्छी डेकोरेशन की चीजें सामने रख के। तो ऐसा है कि हम हर टाइम मंदिरों के लिए कुछ नई नई मालाएं खरीदते हैं मार्केट से, तो हम कुछ चीजें अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो कि जैसे कागज के पेपर या फिर टिश्यू पेपर जो बहुत आसानी से 20-30 रुपए में मिल जाता है कहीं पे भी, आप इनसे आराम से अपने घर पे बना सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे से फूल जिनसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने मंदिरों को अपने रूम को। तो आज यही चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे करेंगे अपने घर में रूम या मंदिर को डेकोरेट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टिश्यू पेपर, तो उसके लिए आप कोई भी ले सकते हैं, रेड पिंक व्हाइट जो आपको पसंद हो। तो अपने मंदिर के कलर या फिर हर किसी का मंदिर का कलर अलग होता है, वॉल्स की पेंटिंग अलग होती है, कलर अलग होते हैं वॉल्स पे, तो आपको जैसा सूट करता है आप कोई अच्छा सा टिश्यू पेपर का कलर ले लें। तो उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि आप टिश्यू पेपर से कौन कौन सी इतनी अच्छी चीजें बना सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आप उनको बना के बहुत खुश हो जाओगे कि इतनी अच्छी चीजें हमने घर में बना ली हैं और आपके मंदिर सजावटें होने वाली हैं इस साल बहुत अच्छी, क्योंकि आप सबसे अलग बनाने वाले हैं। क्योंकि मार्केट तो लोग फूल खरीद सकते हैं या फिर डेकोरेशन की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जो आप घर पे अपने हाथों से बनाएंगे अपने मंदिरों के लिए वो सबसे अलग होगा और वो शायद सबसे अच्छा भी होगा, क्योंकि वो डेकोरेशन की चीजें बस आप तैयार कर सकते हैं अपने घर पे और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि शायद जैसा मैं आपको बनाना सिखाऊं आप बनाते टाइम उससे थोड़ा अलग बनाए, लेकिन उससे अच्छा भी हो सकता है। तो चलिए मैं आप सभी को सिखाती हूँ कि आप कैसे नई नई चीजें घर पर बना सकते हैं टिश्यू पेपर से। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए लिया है मैंने एक कॉमन प्लेन व्हाइट टिश्यू पेपर, तो आप कोई सा भी कलर का ले सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और उस व्हाइट टिश्यू पेपर में से एक एक पेपर को एक पेपर निकालें और उसको पूरा ओपन करना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट ले उसको पहले पैकेट खोला और जो पेपर था एक टिश्यू पेपर लिया उसको पूरा खोला और लगा लिया, और ऐसे करके हमें 5 या 6 टिश्यू पेपर, आप 5 लेना चाहें तो 5, 6 लेना चाहें तो 6 टिश्यू पेपर लेके एक के ऊपर एक जिस तरीके से मैं खोल कर रख रही हूँ वैसे रख लेना है। और इनको आपस में हिलाना नहीं है या ऊपर नीचे नहीं कर लेने हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लेने हैं। और उसके बाद इसको बीच में से फोल्ड कर लेना है और इसको कर लेना है बीच में से कट। तो आप अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से कट कर लीजिएगा ऐसे बीच से, और इसको टेढ़ा कट नहीं करना है, इसको सीधा कट करना है। और उसके बाद इसको हम कर देंगे जिग जैक मोशन में फोल्ड। तो देखिए आप एक कैसे जिग जैक मोशन में फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है इसे फोल्ड। तो देखिए हमारे पेपर बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं तो इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो हमें ये माला या फिर मंदिर में सजाने के लिए चाहिए कहीं पर, तो इसके लिए हम लेंगे एक पतला सा थ्रेड, या फिर अगर हम इसको रूम पे सजाने के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए पतली सी स्टिक्स बना सकते हैं हम, लेकिन मुझे मंदिर के लिए चाहिए था तो मैंने इसको एक पतले से थ्रेड से बीच में से सेंटर जिसका मेन सेंटर होगा वहाँ पर हम इसको बांध देंगे। और देख सकते हैं इसको अच्छे से टाइट से बांध लें, क्योंकि अगर ये खुल गया तो हमारा पूरा फ्लावर ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको टाइट से बांध लेंगे और उसके बाद हमारा होती है मेन प्रोसेस शुरू की, हमको एक एक करके वो ओपन करने हैं जो हमने फोल्ड कर रखा था टिश्यू, उसको हमें अच्छे से ओपन करना है। और टिश्यू बहुत पतला होता है तो इसमें हमें बहुत सावधानी से इसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा टिश्यू फट जाएगा और हमारा फ्लावर हो जाएगा ख़राब। तो आप देख सकते हैं मेरा सबसे अंदर का एक टिश्यू हल्का सा फट भी गया था, लेकिन वो सबसे अंदर का था इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज हो गया,
लेकिन हमें इसको ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमारा टिश्यू नहीं फटे। तो आप देख सकते हैं इसको हम एक एक करके ओपन करेंगे, एक साथ बहुत सारे ओपन नहीं करेंगे फोल्ड्स को, हमें एक फोल्ड को एक टाइम पे एक ही फोल्ड ओपन करना है। तो उसके बाद हम इसको काट लेंगे किनारों से जहाँ से हमें छोटा या बड़ा लगेगा। तो उसके बाद रेडी हैं हमारे फ्लावर्स, ये वाइट हैं। अगर आपको जिस कलर में चाहिए आप बना सकते हैं, तो आप इनको घर में ज़रूर बनाएं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप इनको आसानी से मंदिर में फूल की तरह सजा भी सकते हैं और माला भी बना सकते हैं। तो आप सभी ने देखा हमने कितनी आसानी से टिश्यू पेपर के बहुत सुंदर सुंदर फूल बना दिए हैं। तो इसको अपने हिसाब से आप अपने मंदिरों में करें सेट, जिस तरीके से आपको सजाना है, जहां पे आपको लगाना है और जैसा डेकोरेशन का आइडिया आपके माइंड में चल रहा है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि ये बनाना कैसे है, लेकिन इसके कुछ अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना मंदिर कैसे सजाया है। तो वहां भी कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से मैं आपको भी दिखा नहीं रही हूँ। तो आप भी अपने घरों पर इसको जरूर ट्राई करें और अपने घरों पर ये फ्लावर्स बनाएं और अपने मंदिरों में सजाएं। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को एंड, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज बेल आइकन पे टच करें ताकि जब मेरी पहली वीडियो है उससे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।